प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक की ओर आपको लेकर के चलते हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो वस्तु विक्रय अनुबंध है, वस्तु विक्रय अनुबंध में जो विक्रय अनुबंध है, जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, वो क्या है? व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? सेकेंड क्वेश्चन अराइज इज, विक्रय का जो अनुबंध है वैध रूप से किस प्रकार से उत्पन्न होता है? हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज लीगली अराइज। लीगली, फिर इसके बाद आता है कि वस्तु विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु क्या है, यानी कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? वस्तु विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु क्या है? और फिर बात आती है प्राइस की, यानी कि मूल्य, उसका मूल्य क्या है। जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करते हैं तो उसकी सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, इट्स डिफाइंड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर और परचेजर फॉर ए सर्टेन प्राइस। इसका मतलब यह हुआ, जो डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशनड है, क्लियरली बताया गया है कि वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें विक्रेता के द्वारा एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को अपने माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करना अथवा करने के लिए सहमति प्रदान करना, यानी कि हस्तांतरण करना इमीडिएट ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, यानी कि इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान करना कि ही एग्री टू ट्रांसफर दिस। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में दो बातें मुख्य रूप से आती हैं, या तो ये एब्सोल्यूट हो सकता है, एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, शर्त रहित, किसी तरह की कोई कंडीशन जुड़ी हुई नहीं है। दूसरा हो सकता है कंडीशनल, जिसको कि हम शर्त सहित कह सकते हैं, जिसमें कंडीशन जो है जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति, कोई भी बायर, कोई भी परचेजर किसी भी वस्तु को सेलर के पास जाकर के तुरंत खरीद लेता है,
मांगता है, सेलर वो जो है वस्तु उसको देता है, वो उसका पेमेंट कर देता है। तो इसको शर्त रहित यानी कि एब्सोल्यूट या पूर्ण विक्रय के नाम से भी जाना जाता है, इसको ही पूर्ण विक्रय कहते हैं। किंतु यदि वह वस्तु को पसंद करने के लिए कि जरा मैं घर में भी दिखा लूं, ले जाता हूं, अगर पसंद आई तो रख लूंगा, नहीं पसंद आई तो वापस कर दूंगा, तो ये क्या हुआ, दैट इज कंडीशनल, ये कंडीशनल हो गए। क्यों? क्योंकि यदि उसको पसंद आएगी तभी वह उसको परचेज करेगा, और यदि उसके घर वालों को या घर जाकर के उसके मतलब की वह वस्तु नहीं निकली जिस पर्पज के लिए उस वस्तु को वह परचेज करके ले जा रहा था, तो फिर वह उसको वापस उसको लौटा देगा। तो ये कंडीशनल है, कंडीशनल अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई करी? इफ द बायर फाउंड फिट दैट गुड्स ही कैन परचेज, वह उसे खरीद लेगा, एंड इट इज नॉट फिट फॉर बायर देन बायर डिनाई एंड रिटर्न दैट गुड्स टू द वेंडर, तब वो वेंडर को उस गुड्स को वापस कर देगा। जब हम सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक आती है सेल्स, एक आती है एग्रीमेंट ऑफ सेल्स। दो बातें इसके अंतर्गत आती है, विक्रय का जो अनुबंध है यदि हम उसकी व्यापकता को देखें तो वो बहुत अधिक व्यापक है, और उसके अंतर्गत विक्रय को यानी कि सेल्स को और एग्रीमेंट ऑफ सेल्स, इन दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब सेल्स जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी एब्सोल्यूट जो शर्त रहित है उसमें मैंने बताया कि जब किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का जो स्वामित्व है, जो प्रॉपर्टी राइट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू परचेजर और बायर, जब वह परचेजर या बायर को ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली तुरंत, तो उसको हम विक्रय के नाम से जानते हैं, उसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे अनुबंध को, ऐसे एग्रीमेंट को हम विक्रय कहते हैं। किंतु जब माल का स्वामित्व भविष्य की तिथि पर यानी फॉर ए फ्यूचर डेट, आगे आने वाली किसी तिथि पर अथवा किसी शर्त के अधीन हस्तांतरित होने की शर्त रखते हुए होता है, जिसे कि बाद में पूरा किया जाना है, ऐसे अनुबंध को हम एग्रीमेंट ऑफ सेल्स या विक्रय का ठहराव कहते हैं, इसको हम विक्रय का ठहराव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, संपत्ति का जो स्वामित्व है, वो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो भविष्य की किसी तिथि पर जो भी उनके बीच में तय हुई है तब होगा, या कंडीशनल है तो उस कंडीशन के फुलफिल हो जाने पर होगा। तो इसको विक्रय का ठहराव कहते हैं, सेल्स, एग्रीमेंट ऑफ सेल्स। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया था राम हरि से एक मकान खरीदने के लिए, जो उसका मकान है उसको खरीदने के लिए बात करता है, और उनके बीच में
एक समझौता हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि वह राम जो है अपने मकान को 50 लाख रुपए में हरि को बेचेगा। राम ने कहा कि आप अभी मुझको इसकी 10% अमाउंट दैट इज इक्वल टू ₹5 लाख जो कि 5 लाख रुपए के बराबर है वो मुझको दे दीजिए एडवांस मनी के रूप में, और बाकी जिस समय मैं आपको इसके प्रॉपर्टी राइट्स टाइटल डीड्स आपके नाम ट्रांसफर करूंगा, कहने का मतलब जिस समय मैं इसकी रजिस्ट्री कराऊंगा आफ्टर 3 मंथ्स तब रेस्ट अमाउंट जो है मुझको दे देना। तो अभी उनके बीच में एक ठहराव हो गया, एग्रीमेंट टू सेल्स 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भी हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो मकान का जो स्वामित्व है जो प्रॉपर्टी राइट है दैट विल बी ट्रांसफर आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने पश्चात ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब 3 महीने हो जाएंगे तो बाकी की अमाउंट 45 लाख रुपए जो 45 लाख रुपीज बैलेंस थी वह बैलेंस हरि के द्वारा राम को दिया जाएगा, और राम अपने मकान के जो कागज है या उसकी रजिस्ट्री हरि के नाम करा देगा। तो ये कहलाता है एग्रीमेंट ऑफ सेल्स। और जब यह समय व्यतीत हो जाता है एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो फिर इसको हम सेल्स की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। अब मेन बात आती है करेक्टरिस्टिक्स, इसके एसेंशियल्स, इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं इसकी हैं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता जो है विक्रय अनुबंध के अंतर्गत पहली विशेषता है क्रेता तथा विक्रेता, जैसे वहां पर हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत बताया था कि अनुबंध के लिए जरूरी है कि दो पक्षों देर आर टू पार्टीज, नाउ हेयर वी नीडेड टू पार्टीज, वन इज कॉल्ड एज वेंडर एंड अदर इज कॉल्ड एज बायर, एक जिसको कि हम क्रेता कहेंगे और दूसरा जिसको कि हम विक्रेता करेंगे। तो कम से कम दो पक्षकारों जिनमें से कि एक क्रेता और दूसरा विक्रेता, बायर एंड सेलर, ये इनका होना जो है वो आवश्यक है, जरूरी है। जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करते हैं तो गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब गुड्स, वस्तु, तो इसकी जो विषय वस्तु है जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स, वस्तु, ठीक है। अब वस्तु क्या चीज होगी, गुड्स क्या होगा, गुड्स होगा मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, ऐसी वस्तुएं, ऐसी संपत्तियां जो चल और अचल संपत्ति के रूप में है। इसी तरह से जब बिजनेसमैन की यदि हम बात करते हैं तो बिजनेसमैन जिस वस्तु में व्यवसाय को करता है वे वस्तुएं गुड्स के रूप में आती हैं, उनको हम वस्तुओं के रूप में करते हैं। मान लिया जाता है किसी व्यक्ति का शोरूम है कार का, तो कार उसके लिए एसेट्स नहीं होगी क्योंकि वो तो कार की सेल और परचेज करता है, तो कार उसके लिए गुड्स के रूप में काउंट होंगी। किराने स्टोर में जाए तो किराने का जो सामान है वो क्या होगा, दैट इज काउंट इन गुड्स, हम उसको गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो इसकी जो विषय वस्तु है
वो विषय वस्तु क्या है, वो गुड्स है, वो माल है। इसके अंतर्गत हम मनी एंड एक्सनेबल क्लेम्स इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दी मनी, मुद्रा को सम्मिलित नहीं करेंगे। एंड एक्सनेबल क्लेम्स, जो एक्सनेबल क्लेम्स हैं, अभी योग के योग्य दावे हैं, उसके अलावा सभी प्रकार की जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, ठीक है, पुराने सिक्के हैं, उन सब चीजों को, पुराने नोट हैं आपके पास में, बहुमूल्य धातुएं हैं, उन सबको वस्तुओं के अंतर्गत हम सम्मिलित करेंगे, मूवेबल एंड इमूवेबल। अब बात आती है इसके नेक्स्ट उसकी, उसमें आता है जब हम वस्तु को खरीदने और बेचने की बात करते हैं तो वहां पर बात आती थी कंसिडरेशन की, प्रतिफल की, कि जब भी कोई कार्य किया जाएगा या कार्य को करने से अपने को विरत रखा जाएगा, अपने को अलग रखा जाएगा, तो उसके बदले में एक पक्ष दूसरे पक्ष को न्यायोचित प्रतिफल का भुगतान करेगा, जस्टिफाइड कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन दैट विल बी पेड बाय द फर्स्ट पार्टी टू सेकेंड पार्टी। यहां पर भी क्रेता और विक्रेता, जो वस्तु को खरीदेगा उसको दूसरी पार्टी, दैट इज सीम्स टू बी वेंडर, जो कि वेंडर है, विक्रेता है, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रतिफल का भुगतान करना पड़ेगा। और वो प्रतिफल का भुगतान किसमें होगा, उसका मूल्यांकन होगा, प्राइस होगा, मूल्य होगा, उसका भुगतान उस मूल्य के आधार पर मुद्रा में किया जाएगा, मुद्रा में उसका भुगतान किया जाएगा, जो कि लीगल टेंडर मनी, ये तो आप जानते ही होंगे लीगल टेंडर मनी। अभी पीछे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को जब चलन से बाहर किया गया, जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो क्या कहा गया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि वो आज से 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट है वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। और इसके बाद मूल्य के बाद बात आती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का हस्तांतरण। यह हमने बताया था सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल्स, एग्रीमेंट ऑफ सेल्स, एक में गुड्स का, माल का जो प्रॉपर्टी राइट है, उसका जो टाइटल डीड है, जो स्वामित्व है, वो विक्रेता के द्वारा क्रेता के पक्ष में कर दिया जाता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल्स में मैंने बताया था कि इसमें एक भविष्य की कोई तिथि जो है, फ्यूचर डेट जो है, वो